गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों को। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ एंड योर फैमिली मस्ट बी ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जितने भी हमारे लास्ट इंटरव्यू में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। गाइज, अपनी लाइफ में मैंने PSBD का इतना सिंपल इंटरव्यू आज तक कभी नहीं देखा है जो लास्ट हमारा इंटरव्यू रहा है। और फ्रेशर्स के लिए इतनी अच्छी वो डिमांड थी बिकॉज फ्रेशर्स कैंडिडेट आए वहाँ पे काफी और उनको सिलेक्शन मिला है उसमें, डायरेक्टली उनको सैलरी इतनी अच्छी मिली है वहाँ पे। बट कोई बात नहीं है, जो उस वहाँ पे नहीं आ पाए हैं उनके लिए और वैकेंसीज आती रहेंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं अगली वैकेंसीज की तरफ। अगली जो हमारी वैकेंसी है दैट इज ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी गार्ड। वैकेंसीज बहुत है बट ये वीडियो मैं सिक्योरिटी के लिए ही बना रहा हूँ अभी। अभी जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है इट इज ऑल्सो फॉर अ गुड रेप्यूटेड कंपनी, ओके। और इसका इंटरव्यू जो रहेगा वो चंडीगढ़ में 21 तारीख को 21st of September में आपका इंटरव्यू रहने वाला है चंडीगढ़ में, ओके। मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ उस वैकेंसी की। देखिए, इसमें दो अच्छी बातें हैं। पहली अच्छी बात इसमें यह है कि जिसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मतलब थोड़ी बहुत इन द सेंस, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही कम आती है, जिसको ये मतलब कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे कोई व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दुबई, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, एंड टेल मी समथिंग अबाउट सिक्योरिटी, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये 6-7 क्वेश्चन है, इनका आंसर देने का अगर कोई वो रखता है तो इसमें आराम से वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी अच्छी बात इसमें ये है, दूसरी अच्छी बात ये है इसमें कि इसमें हाइट जो ले रहे हैं वो 5'6" 5'6" की हाइट का क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है। तो जिनकी हाइट 5'6" है, थोड़ी छोटी है, बिकॉज मोस्टली कंपनी में 5'7" 5'8" लेते हैं, वैसे तो 5'8" ही लेते हैं ज्यादातर, लास्ट इंटरव्यू 5'7" थी, इसमें 5'6" है हाइट, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई करिए आप लोग, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास। 10th पास इसलिए क्योंकि वहां जाके आपका सीधा सर्टिफिकेट जब बनता है उसमें आपका 10th का अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वहां पे आप लोगों को। तो फिर मैं फिर से बोलूंगा, आप क्वालिफिकेशन को रख के जॉब को जज मत करिएगा, ठीक है। जो आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगते हैं वो आपके वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन में काम चीजें आने वाली है उसके भी आप में मांगते हैं, ठीक है। बाकी इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट इसका जो सैलरी ये लोग दे रहे हैं, सैलरी 1600 dirhams, ओके। 1600 dirhams सैलरी आपकी 11 घंटे की ड्यूटी की, ठीक है, और आपका 1 घंटे का ब्रेक रहता है इसमें। 1600 dirhams सैलरी गाइज आपकी तब तक रहेगी जब तक आपका सीरा एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी वहां जाके आपको एक मौका देगी सीरा क्लियर करने का, ठीक है। वहां जाके आपने सीरा क्लियर कर लिया है तो आपकी सैलरी इसमें जो बाकी की होती है उतनी सैलरी रहेगी। आपको जो अलाउंस मिलता है सीरा का 700 something dirham मिलता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां जाके आपको सीरा करने का मौका कंपनी दे सकती है, ओके। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए दिए गए नंबरों में, ओके। आपको क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है आपको, अगर अच्छा खासा बैच बनता है हमारा 20, 25, 30, 40 लड़कों का तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इजी इंटरव्यू रहने वाला है तो इसमें सारे के सारे लोग जिसकी 5'6" हाइट है और इंग्लिश थोड़ी वीक है वो सारे अप्लाई करिए इसमें। आप दुबई जाइए, ठीक है, फ्लाई होइए, आपका 1 महीने के अंदर सारा प्रोसीजर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप 1-1.5 साल जब इस कंपनी में काम कर लेते हैं तो आपको एक तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे एक्सपोजर के साथ साथ जो आपको मिलेगा आप 1.5 साल बाद PSBD के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो आपके पास मौजूद रहेगी तब तक, ठीक है। सो गाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम, अप्लाई फॉर दिस कंपनी। 21 September 2022 को ये इंटरव्यू होने वाला है चंडीगढ़ में। सो जस्ट कॉन्टेक्ट अस, सारे नंबर आपके लिए अवेलेबल है, मेरा नंबर, नदीम सर का, करण सर का नंबर अवेलेबल है, जस्ट कॉल अस। हमारा जो कॉलिंग टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक हमारा कॉलिंग टाइम है, अब हमें कॉल करिए एंड सारी काउंसलिंग लीजिए, सारी डिटेल्स लेके आप चंडीगढ़ पहुंचिए, ओके। एंड दोबारा मैं बोल रहा हूँ, देहरादून के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए हम लोग लास्ट इंटरव्यू की तरह ट्रैवलिंग फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे, जो भी नॉमिनल चार्ज उनको देना होगा यहीं से गाड़ी आपको लेके जाएगी चंडीगढ़, इंटरव्यू के बाद दोबारा आपको देहरादून छोड़ देगी। इससे देखिए आपका वक्त भी बचता है और हमारा भी वक्त बचता है, ठीक है। और जो आपका एक्सपेंस होना है उससे कम ही एक्सपेंस आपका इसमें आता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से पहले आप रेलवे स्टेशन या SBD जाएंगे, फिर वहां से आप अपना अलग से कन्वेंस लेके कहीं और जाएंगे, इससे अच्छा आप यहीं से जाइए हमारे साथ, गाड़ी में बैठिए सीधा आप अपना वेन्यू लोकेशन में पहुंचेंगे और डायरेक्ट आपको इंटरव्यू खत्म होते ही वापस यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइज, कॉन्टेक्ट अस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।